ओके है गाइस, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए ऑल द वे अप टू ब्रावेरिया. सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग आवर्स ऑफ जर्नी विथ वन ऑफ माई फ्रेंड रौनक. सो या अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30, तो या चलो चलते हैं, ले चलता हूँ आपको भी. एंड वी विल सी यू हाउ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन जर्मनी. लेट्स गो. इस ट्रेन पे यहाँ पे भी ऐसे खाना देने के लिए, ब्रेकफास्ट देने के लिए लोग आते हैं. सो बट मे बी आई डोंट नो, इट्स अ फर्स्ट क्लास एंड वहाँ पे दैट्स आई थिंक द सेकंड क्लास. কি খবর? ওই এই চলছে ভাই, তোর খবর বল? এই ভালো. আরে বার বলিস না, ডস ফিল্ডে এমন 7 মিনিট মোটামুটি দাঁড়িয়ে ছিল ট্রেনটা. হ্যাঁ, খাবিছো? তুই তো খেয়ে এসেছিস কিছু? আমি তোর জন্য একটু হালকা কিছু ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছি. উড়ি বাবা, বল তুই যারা বানায় এসেছিস তুই? ওকে গাইস, তো আমি ট্রেন কে লিয়ে ওয়েট কর রহে হ্যায়, আপনা ট্রেন আয়েগা 11:59 কো, ইয়ে ডর্টমুন্ড কা স্টেশন হ্যায় এন্ড আবি মাই বোলা থা না আপকো, জব সে মাই জার্মানি আয়া তব সে রোজ লাইক ধূপ নিকল রহা হ্যায় এন্ড গরমি হো রহি হ্যায়. ओके गाइस, तो अभी है अपन जीवन में, ये जीवन का रेलवे स्टेशन है. अभी यहाँ से हमें चेंज करके दूसरा ट्रेन लेना है. यहाँ पे ट्रेन स्टेशन में भी लिफ्ट होता है कि नहीं? ट्रेन आएगा 2:40 में एंड अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 1:10, तो अभी अपने पास बड़ा लंबा लेओवर है. तो यहाँ के जो DB है, आई मीन डॉयचे वन, वो कुछ इस टाइप का दिखता है. सो चलो, अभी तक के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा. एंड यहाँ पर आपको ऐसा वेंडिंग मशीन्स भी मिलते हैं जहाँ से आप खाना ले सकते हो, सामान ले सकते हो. एंड यूजली सीट फॉर अ वाइल एंड देन वी विल वेट. अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी हम थोड़ी देर सिटी घूम लेते हैं, क्योंकि अपने पास हाथ में 30 मिनट्स के आसपास टाइम है. सो दिस इज जीबेन सिटी सेंटर. एम आई प्रोनाउंसिंग राइट? इज इट जीबेन? जेगन, राइट? या सो इट्स जेगन. एंड यहाँ पे KFC वगैरह सभी कुछ है. सो दिस इज द लाइक मेन सेंटर फॉर जेगन. ये एक कोई ओल्ड, पहले तो ये मूवी हॉल था, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा रिपेयर कर दिया है एंड यू कैन लुक हियर, पार्टीज वगैरह भी होती है. ये एक ओपन बुक स्टोर है, यहाँ पे आप आ सकते हो. आपको अगर कोई बुक अच्छा लगता है तो आप ले लो, पढ़ो और लेके जाओ. और अगर आपके पास कोई बुक है जो आपको रिटर्न करना है तो आप आके यहाँ पे वापस दे सकते हो. ये क्या बुक है, लेके देखता हूँ फिर. नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा लाइक मेरे लाइक नॉन फिक्शन टाइप थिंग ही कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बट एनीवेज है कि पेरिस का आर्ट बुक लिया है, विच इज़ रियली नाइस एंड बाई अप टू द जर्नी आई विल सिट एंड रीड समथिंग. एंड इसके अंदर कुछ ओल्ड लेटर्स वगैरह भी कुछ रखे हुए हैं. सो या दिस इज़ काइंड इंटरेस्टिंग, आई फाउंड इट एज फॉर ऑल द लाइक बुक लवर्स स्पेशली, दिस इज़ वेरी नाइस. ओके, तो अभी हमारा थोड़ा सा लेट हो गया है, लाइक वी हैव लाइक 10 मिनट्स, तो अभी हमें भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी. माई फेवरेट कंट्री पेरिस बुक, लेट्स गो. मैं जो बुक लिया था पेरिस का, उसके अंदर से एक पूरा मैप निकाला है. कहाँ दिखाओ एक बार मैप, कैसे? वाओ, ये कितना बड़ा है भाई. दिस इज द होल पेरिस, इज नाइस. चलो एनीवेज, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेशन. तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:10, तो अपन ट्रैवल कर रहे हैं लाइक अराउंड मे बी 4-5 hours एंड इंगोलस्टाड पहुँचते अभी आपका है और मैं अराउंड 2 hours. ओके गाइस, सो दिस इज द लास्ट ट्रेन एंड यस एंड फाइनली वी विल बी इन इंगोलस्टेड. सो वी वेंट ऑल द वे फ्रॉम बोहुम टू इंगोलस्टेड ब्रावेरिया. Well, it's like a diagonal, right? It's totally, you know, it's a totally diagonal to the country.
as we all know, it's such a huge country in Europe. Finland is more little. So it I'm feeling normal because like there is no tiredness because once you come the European weather, right? Yeah, and the trains you have also you're traveling for free. Ho, yeah, let's go. Okay, we are finally in Bavaria and you can look the difference. Bavaria, yeah. Okay, so abhi apan फाइनली बवेरिया पे आ चुके हैं. आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस दिएगा बिकॉज दिस इज लाइक प्रॉपर सिटी. एंड हाँ, आप लाइक देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप के थोड़े स्ट्रीट्स एंड वो देखो कुछ एंटीक. एक वहाँ पे एक लोकोमोटिव रखा हुआ है सड़क के उस पार पे. तो चलो अभी हमें यहाँ से वॉक करते हुए रौनक के घर पे जाना है. मेरे घर तो नहीं यार, तो इतना बड़े आदमी नहीं है, गोल्ड स्टैंड पे घर रखा है इनके रिलेटिव के घर जाना है. सो एनीवेज चलो चलते हैं वहाँ पे जाके फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ. यू अच्छा दार्जिलिंग एक्सप्रेस ये रहा, ये कोई लोकोमोटिव रखा है यहाँ पे. आई थिंक मे बी कुछ होगा, पुराने ज़माने में शायद ये चलता होगा. तो अब ये यहाँ पे लेके रख दिया. क्या लिखा है? डॉयचे बुंदबान. ओह अच्छा, जो अभी मॉडर्न चल रहा था जिस पे अभी हम चल रहे थे वो पहले इस टाइप का था. लाइक इट्स ऑफ कोल. वाओ दिस इज दैट लेट नाइट साइकिल राइड्स गाइस. तो अभी फिलहाल मैंने ये भैया का साइकिल लिया है तो ये आ रहे पीछे पीछे. सो या आई एम गोइंग टू शो यू हाउ नाइट लाइफ लुक्स इन बवेरिया ऑन अ साइकिल. सो या लेट्स गो. इट्स लाइक वेरी प्रीटी वियर्ड एक्सपीरियंसेस आउट हियर. सो या अच्छा चलो. हाँ, मैं इंडिया की तरह ऐसे चला नहीं सकता. देर इज़ अ प्रॉपर रूट फॉर साइकिल इन विच आई हैव टू गो, एल्स आई विल बी फाइंड. सो ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं घर पे. अभी हमने खाना वाना खाया एंड ये इनका रिलेटिव का घर है. एंड अभी अपन सोने जाएंगे. हेलो 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 हेलो. चलो फाइनली अपन ने अभी फीफा खेला है ये इनका एक्सबॉक्स पे, बड़ा मज़ा आया. चलो ओके, गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ब्रावेरिया. ओके, तो मैंने पूरे घर पे सबसे पहले मैं ही उठा हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6:30 इन द मॉर्निंग. And I have done all the things you need in the morning. Also a bath and it's a fucking cold shower. So anyways, तो कल को Northern Lights दिखी थी वहाँ से. So I will put some photos here. Yeah, some Northern Lights. इतनी clear यहाँ Bavaria से नहीं दिखी, but just the opposite side जहाँ पे मेरा दूसरा friend रहता है. So उनका call आने लगा कि अरे चेक कर ऐसे करके भाई नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही है. आई वाज लाइक यहाँ से उतना नहीं दिख रहा था, बड़ा हल्का दिख रहा था, बट हाँ उनके स्टेट से काफ़ी अच्छा दिख रहा था. सो एनीवे शनु आहा पूजो अच्छे दो सदा प्रवक्ष्यामि अद्या स्त्रोत्र पक्षम सब भाई शोमिक बेरिया जो भाई शवम यदि কালকে ঠাকুর মশাই একটা চোখ বন্ধ করে বলছে ঠিক আছে 500 নেব না, আমি 300 নেব. 300 দেবে না তোকে, 30 টাকা দেবে না. গজব বেজতি হ্যায় So we are finally ready for Durga Puja. तो अभी हम जाएंगे दुर्गा पूजा में. अभी हम अष्टमी में आज हमारे ये तो ये मेरा आउटफिट है. हाँ ये तो So finally we are going to the puja. We finally spotted a kash. This is a kash flowers. भाई Germany में भी. All right. So we are finally going in. अब यहाँ से अपन गाड़ी में चढ़ते हैं एंड गाड़ी में चढ़ के फिर जाएंगे जो मंडप है मंडप पे जाएंगे. एंड एज यूजुअल मैं सबसे लास्ट में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग करना होता है. सो या एनीवेज वी विल कैच यू अप देयर. गाइस ऑन द वे वो एक ब्रिवरी है जहाँ पे बियर्स एंड वाइन्स होते हैं एंड बाकी वो इनका प्रोडक्शन है. वो देखो ये आप देख सकते हो कैरेट्स वगैरह. एंड जो मंडप है वो थोड़ा सा आगे. एंड इन जर्मनी देयर इज़ एन इंडोर मंडप, लाइक बाहर कुछ नहीं होता जैसे इंडिया में होता है. सो या वी आर गोइंग एंड बाकी आप उस साइड पे देख सकते हो कितना कैरेट्स पड़े हुए बियर्स के वाइन्स के. देखो इट्स इज अ हैंड ब्राउ वन ऑफ द फेमस ब्रांड इन जर्मनी. ओके, तो ये है इंडियन मंत्रा. ये यहाँ पे पूजा होने वाला है बट द थिंग इज की जो पुजारी है वो अभी तक आया नहीं है. सो वी आर वेटिंग हियर बाहर में. Hello.
दिया लगाया जा रहा है यहाँ पे सारे मिलके, एंड यहाँ पे वो पुरोहित मोशाई एंड इधर पे बैठे हुए हैं। Everyone is peeping. There's gonna be a like 108 diyas over here. Okay guys, तो अभी पूजा हो चुका है finally, अंजलि भी हो गया है and जो सारा rituals जो बाकी के required होते हैं वो भी हो गया है and we had little लड्डू, ठीक है। तभी वापस दोबारा से ये इंडियन मंत्र के बाहर हाय हाय ये करके आ गए वापस। अभी हम चल रहे हैं लाइक थोड़ा सा, कहाँ जा रहे हैं? फोटो लेने। अच्छा, फोटो शूट करने जा रहे हैं जो और भी आ रहे हैं दीदी वगैरह। चलो चलते एंड वी हैव अ ग्रुप सेल्फी। इट्स अ नाइस प्लेस, नाइस। मैं जब से जर्मनी आया तब से भाई वेदर बहुत सही हो गया एकदम। फोटो शूट हो रही है गाइस। गाइस तो अभी शॉपिंग करने आए थे और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखा है। ये है बॉयल्ड अंडे जो कि ऊपर से इनका शेल को कलर कर दिया है एंड इसे ये देख सकते हो, ये बॉयल्ड अंडे यहाँ पे ऐसे मिलता है, ये बच्चे आते लेते खा लेते। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा हमें चीज़ दिखा है। बाकी दिस आर नॉर्मल एग्स बट यार दोज आर बॉयल्ड एग्स। ओए गाइस, तो अभी शाम हो चुका है एंड अभी यहाँ पे एक फंक्शन होगा एंड काफी लोगों ने यहाँ पे गैदर कर चुका है। सो देयर इज गोना बी अ फंक्शन हियर एंड यहाँ पे कुछ कंपटीशन भी होगा। वहाँ पे बच्चे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे कुछ उन लोगों ने काफी अच्छा ड्रेस किया है। So yeah, it's going to be a nice evening. So anyways, yeah, let's carry down. I am Shayok Choudhury, formerly came from Kolkata, West Bengal. And I am your host for today for Grand Durga Puja celebration on behalf of Utsav Hindustan. And I personally thanks to all our core committee members who make it possible in spite of lots of challenges being thousands of miles away from India. फाइनली फंक्शन हो चुका है ख़त्म एंड नवमी लाइक अभी अष्टमी है, नवमी लाइक एक साथ ही हुआ है। जब मैं अंदर था टू बी ऑनेस्ट मेरे को फील नहीं हो रहा था कि आई वॉज इन इंडिया एंड व्हेन केम आउट मैं घर पे कॉल करता था, लाइक कॉल क्यों नहीं लग रहा है। आई वॉज लाइक ओ शिट मैं बाहर आया, मैंने सड़कें देखी, अब मेरे को लग गया यार मैं तो जर्मनी में हूँ। सो एनीवेज अभी अपन जा रहे हैं घर एंड जाके रेस्ट करेंगे। आई विल सी यू टुमारो बिकॉज वी हैव टू मोर डेज। स्टिक अराउंड, स्टिक अराउंड। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डे 3 एंड फाइनली। ओए गाइस, तो आज को है नवमी, दिस इज दी 9th डे ऑफ दुर्गा पूजा एंड कल को है दशमी। सो एनीवेज आज के दिन में काफ़ी मज़ा होने वाला है। अभी हम अभी हम उठे हैं थोड़ी देर पहले, अभी हमने ब्रेकफास्ट किया एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम जाएंगे जो मंडप है वहाँ पे एंड मंडप में जाओ। आज का आउटफिट ये है, यू कैन हैव अ लुक। एनीवेज सो या, तो अभी हम जाएंगे बाहर एंड वी आर गोना गो टू इंगोलस्टैड विलेज। तो पहले तो पूजा देखना है एंड पूजा देखने के बाद वी विल गो टू विलेज, जो एक बहुत प्यारा और अच्छा सा विलेज है एंड आई नो डेफिनेटली यू गाइस विल आल्सो लव इट। सो या, कम ऑन रोनी भाई, यहाँ क्या मिलता है? यहाँ पे मिल रहा है एफसी बायर्न म्यूनिख का ये ऑफिशियल स्टोर है। ओके, तो इधर पे सब ऑफिशियल मर्चेंडाइज मिल रहा है। इधर पे जर्सीज है, ट्रेनिंग किट्स है, ट्रेनिंग गियर है। अरे बस, वाओ। तो अभी अपन यही चेक कर रहे हैं। ओके, सो ये मेन स्क्वायर है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि शॉप्स एंड ये एक मेन हाउस है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे आपको सारा ब्रांड मिल जाएगा, लाइक ऑल द ब्रांड्स फ्रॉम कपड़े, घड़ी, जूता से लेके एवरीथिंग यहीं पे मिलेगा आपको। बढ़िया, ये मस्त है, काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं इस जगह पे। चलो शॉपिंग हो गया है, अब सारे आके यहाँ टीटी खेल रहे हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग टू शो,
मैंने जिस प्लांट पे रिसर्च किया था इंडिया में अपने बैचलर्स पे, वो प्लांट का स्पीसीज यहाँ पे बुश बना के यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज हिमालयन यू, ये जो प्लांट था बेसिकली इस पे जो है मैंने रिसर्च किया था इसके लाइक बीच से। बट दिस प्लांट एक्चुअली ग्रोज वेरी बिग, बट यहाँ पे इनको काट के लाइक बुश जैसा बना दिया। बट यू कैन लुक हियर, दिस प्लांट लाइक एक्चुअली ग्रोज वेरी बिग। सो यह ये इनका कैंपस है, काफ़ी छोटा सा कैंपस है लाइक हाँ मतलब, बट ठीक ठाक है, बढ़िया है। ओके सो दिस इज डैन्यूब रिवर, एंड रिवर के ठीक उस साइड पे आप देख सकते हो देयर इज अ आर्ट म्यूजियम। সেটা ভেঙে আমাদের সবার জন্য 500 ইউরো দিয়ে বাসটা বুক করেছে এবং ড্রাইভারও বুক করেছে। তো হম লোক যা রে বাগারশি বলকে এক জায়গা ইঙ্গোল স্টার্ট পে, তো ও সুনা হ্যাঁ কি বহুত খুবসুরত হ্যাঁ লোক, তো দেখতে কেসে যে। ओके गाइस, सब धीरे धीरे गार्डन की तरफ जा रहे हैं। यू कैन लुक इट्स व्हाट अ नाइस नेबरहुड विच आर मिक्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग्स एज वेल एज ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स, एंड लुक एट द स्काइज, ओहो दैट इज सो नाइस। आज दशमी है एंड दशमी ख़त्म हो चुका है, एंड शीदुल फेला वगैरह जो भी है होता है हमारे ट्रेडिशन पे वो भी कम्प्लीट है। तो अभी शाम का टाइम है, खा पी के अभी अपन घूमने के लिए निकले हैं। हम लोग अभी जंगल के तरफ जा रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा मेरे को लग रहा है। Let's wait for the surprise. Yes! तो ऐसे होते हैं जर्मनी के जंगल, देखो। Artlist.io